गाइस, वेलकम टू एग्जामिनर कंडक्ट। आज हम मशीनिंग करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। मशीनिंग तो मेन टारगेट क्या होता है मशीनिंग में? हम मशीनिंग करते हैं फॉर डिजायर डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश। मशीनिंग इज डन फॉर डिजायर्ड मशीनिंग इज डन फॉर डिजायर्ड डिजायर्ड डायमेंशन एंड सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश, ठीक है। यानी जब भी हम कोई वर्क पीस लेते हैं, उस पर मशीनिंग करते हैं, तो हमारा टारगेट होता है कि हम जो डायमेंशन चाहते हैं वो डायमेंशन हम उस वर्क पीस में प्रॉपर करें और हमारा सरफेस फिनिश जैसा हमारे रिक्वायरमेंट है वैसा हो, इसलिए हम मशीनिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, हमारे पास कोई एक वर्क पीस है। क्या है वर्क पीस? है क्या? ये है आपका वर्क पीस। क्या है वर्क पीस? अच्छा, वर्क पीस ऐसा नहीं होगा, वर्क पीस प्रॉपर होगा। हम पूरा ड्राइंग बना रहे हैं, वर्क पीस देखा जाए तो ऐसे होगा, ऐसा होगा, ठीक है। पूरा हम ड्राइंग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपको दिख रहा है ये क्या है? टूल है। क्या है ये है टूल। और जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज चिप। क्या है वो? चिप है। और ये इधर फ्लो होगा रेक फेस पे, ठीक है। हम पूरा डिटेल इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ओके। तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो वर्क पीस है, सॉरी, ये जो टूल है, ये वर्क पीस को फिनिश करने के लिए यानी मटेरियल रिमूव कर रहा है। ये कोई सा भी कटिंग प्रोसेस कर रहा है ना, मटेरियल रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ये जो डायमेंशन आ रहा है, ये हम इसको कहते हैं फिनिश, यानी मशीन सरफेस। इसको कहिए, क्या कह सकते हैं? मशीन सरफेस। मशीन सरफेस यानी इस सरफेस पे मशीनिंग किया गया है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मशीन सरफेस। इस पे मशीनिंग हुआ है क्या? नहीं हुआ है, होने वाला है, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अनमशीन्ड सरफेस। अनमशीन्ड सरफेस, अनमशीन्ड सरफेस यानी इस पे मशीनिंग अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया है ना, ऐसा ही कुछ हम मशीनिंग करते हुए आएंगे, है ना। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। हॉरिजॉन्टल है, इसके नॉर्मल में यानी परपेंडिकुलर में एक प्लेन होता है। क्या होता है? एक प्लेन होता है, ये वाला प्लेन है ना। इस प्लेन को हम कहते हैं रेफरेंस प्लेन। क्या कहते हैं? रेफरेंस प्लेन। हम एक्सप्लेन करेंगे रिफरेंस प्लेन क्या होता है, ठीक है। हमने उसको क्या बोला? रिफरेंस प्लेन बोला। चलिए लिख देते हैं यहीं पे अभी रिफ। अच्छा, थोड़ा स्पेस कम लगे तो ऊपर से लिखते हैं रिफरेंस। रिफरेंस प्लेन, रेफरेंस प्लेन कहते हैं दैट इज नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस। कैसा होता है? नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल, नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। मशीन सरफेस यानी ये जो रेफरेंस प्लेन है, ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे किसके? हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। ये जो रेड, ये ब्लैक वाला जो ये कंटिन्यूअस आता, तो ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल
मशीन सरफेस इसके नॉर्मल होता है उसको हम कहते हैं रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन बनाना ज़रूरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं रेक एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम फेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो फेस होता है टूल का, इसको हम कहते हैं रेक फेस। क्या कहते हैं? रेक फेस और सरफेस। रेक फेस और सरफेस, ये क्या हो गया? रेक फेस और सरफेस। ये जो एंगल होता है इसके बीच में, ये जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। तो रेक एंगल जो है तेरा वीडियो अभी डिलीट कर। तो ये क्या है? अल्फा है। इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रेक एंगल। यानी रेक एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन रेफरेंस प्लेन एंड रेक फेस। रेक फेस और रेफरेंस प्लेन के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, ओके। तो अल्फा भी हमें पता चल गया। ओके, अल्फा को हम अभी बता ही देते हैं। अल्फा क्या है? रेक एंगल। क्या है? रेक एंगल। हम आगे हम पूरा डिटेल में डील करेंगे अलग अलग से, रेक एंगल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अभी हम समझ रहे हैं। अच्छा, ये जो कटिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ये जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अर्थोगोनल मशीनिंग। क्या है ये है अर्थोगोनल मशीनिंग। क्या है अर्थोगोनल मशीनिंग? हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अर्थोगोनल मशीनिंग। अर्थोगोनल मशीनिंग, अर्थोगोनल मशीनिंग है ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या अर्थोगोनल मशीनिंग है? क्यों है अर्थोगोनल मशीनिंग? क्योंकि कटिंग एज जो है वो परपेंडिकुलर होता है कटिंग वेलोसिटी के। यानी कटिंग एज जो है ये जानना ज़रूरी है। अर्थोगोनल मशीनिंग कहते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा हमें स्पेस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये है अनमशीन्ड सरफेस। सरफेस अर्थोगोनल मशीनिंग में क्या होता है? कटिंग एज जो होता है, कटिंग एज जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू कटिंग वेलोसिटी। कटिंग एज जो होता है परपेंडिकुलर होता है कटिंग वेलोसिटी के। तो ये मान लीजिए कटिंग एज, ये मान लीजिए कटिंग वेलोसिटी। इजी है याद करना ऐसे, कटिंग वेलोसिटी, ये कटिंग एज। ठीक है, तो अगर हमारे पास वर्क पीस होता, तो ये अगर वर्क पीस है, ठीक है, तो टूल कैसे लगता? ये ऐसे लगता 90 डिग्री पे, और कटिंग एज जो होगा वो कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, फिर ये ऐसे मूव करता है। समझ में? तो ये हो गया इसका एज, है ना, ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो कटिंग एज और कटिंग वेलोसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो हम उसको कहते हैं अर्थोगोनल मशीनिंग। ठीक है, ओके, आगे देखिए। इसमें हमने रेक एंगल जान लिया। रेक एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन रेफरेंस प्लेन एंड रेक फेस और सरफेस, इसके बीच के एंगल को हम रेक एंगल कहते हैं। ठीक है, रेक एंगल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो रेफरेंस प्लेन के राइट साइड में अगर रेक एंगल है तो पॉजिटिव है, और इसके इस साइड नेगेटिव है। तो जीरो रेक एंगल या नेगेटिव रेक एंगल कैसा होता है? डल टाइप का होता है, मोटा होता है थोड़ा सा, यानी थिकनेस जो है टूल का थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आप रेक एंगल बढ़ाएंगे यानी पॉजिटिव मिले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये थिन होता जाएगा। हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए रेक एंगल की, वो हम बताएंगे। ये जो होता है, ये होता है चिप थिकनेस, टी सी। क्या होता है ये? टी सी।
टीसी क्या होता है ये? टीसी, अच्छा से थोड़ा बना देते हैं। ये है टी, ये है सी, बीच में स्पेस दिखा दो। टीसी ठीक है। टीसी क्या है? चिप थिकनेस। टीसी क्या है? चिप थिकनेस। समझिए, हमने जान लिया रेक फेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्लैंक और रिलीफ। फ्लैंक और, ऐसे लिख दीजिए, फ्लैंक और रिलीफ, RELIEF। ठीक है, तो ये है फ्लैंक सरफेस या फ्लैंक फेस। फ्लैंक फेस और मशीन सरफेस के बीच के एंगल को हम कहते हैं गामा। ये क्या होता है? गामा, जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल। क्या कहते हैं? क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल। ये हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है हमारा मशीन सरफेस वो ख़राब ना हो। अगर ये दोनों रब कर जाएगा तो ये जो मशीन सरफेस है वो भी ख़राब हो जाएगा और टूल भी ख़राब होगा। इसलिए इस टूल के फ्लैंक फेस और मशीन सरफेस के बीच में कुछ एंगल प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये दोनों रब नहीं होते। ठीक है, नहीं तो ये रब हो जाते हैं तो क्या होता है, मशीन पोर्शन जिसमें मशीन ऑलरेडी हो गया है वो भी पोर्शन सरफेस जो है ख़राब कर देता। ठीक है, गामा क्या है? गामा है फ्लैंक, सॉरी, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल और इसी को कहते हैं रिलीफ एंगल। क्या कहते हैं? रिलीफ एंगल। रिलीफ देता है एक तरह से टूल को भी और मशीन सरफेस को भी। ठीक है, याद रख लीजिए। अच्छा, ये जो टूल का टिप थिकनेस है, ये जो टूल है ना, ये इसके भी एंगल होते हैं। इसको हम दिखा देते हैं साई से। किससे? साई से। तो ये जो साई है इसको हम कहते हैं लिप एंगल। क्या कहते हैं? लिप एंगल। लिप एंगल, या फिर कुछ लोग इसको कहते हैं वेज एंगल। कुछ लोग इसको कहते हैं नाइफ एंगल। कुछ लोग इसी को कहते हैं कटिंग एंगल। सब इसी का नाम है, लिप एंगल, एज एंगल, नाइफ एंगल, कटिंग एंगल, सब। ठीक है, ओके। यहाँ पे समझिए, ये इसके और इसके बीच का जो गैप होता है, इसके, इसको हम कहते हैं टी। क्या कहते हैं? टी। ठीक है, तो ये टी जो है डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डी के। डी को कहते हैं डेप्थ ऑफ कट। क्या कहते हैं? डेप्थ ऑफ कट, यानी टूल जो है कितना डेप्थ ऑफ कट कर रहा है। तो सबसे पहले टी क्या है? टी है अनकट चिप थिकनेस, यानी अभी कटा नहीं है, अनकट चिप थिकनेस। टीसी क्या था? ये वाला टीसी, ये था चिप थिकनेस। चिप थिकनेस ठीक है। अच्छा, डी क्या है? डी मैंने बताया डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट ठीक है। अब समझिए, ये एक्चुअली, इसको थोड़ा 3D करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह का होगा, है ना? तो इसको हम कहते हैं बी। यहां से लेके यहां तक की जो होती है इसको हम कहते हैं बी। स्मॉल बी से दिखाते हैं, जिसको हम कहते हैं विथ ऑफ कट। बी को क्या कहते हैं? बी को कहते हैं विथ ऑफ कट। क्या कहते हैं? विथ ऑफ कट, यानी कितना विथ जो है वो कट कर रहा है, विथ ऑफ कट। ठीक है,
अच्छा ये आपको दिख रहा है, ये है शेयर प्लेन। क्या ये शेयर प्लेन, ये वाला पोर्शन जो है, ये क्या है, शेयर प्लेन है क्या है, शेयर प्लेन क्या है, शेयर प्लेन, सीरिंग यहीं से होती है। अच्छा शेयर प्लेन और इसके बीच का एंगल ये फाई, ये होता है शेयर एंगल। क्या होता है शेयर एंगल, यानी शेयर एंगल होता है एंगल बिटवीन शेयर प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस, ये जो है ठीक है। तो फाई क्या हो गया आपका, फाई हो गया आपका शेयर एंगल, क्या हो गया शेयर एंगल। हम सब डिटेल में आगे करेंगे, अभी हम समझ रहे हैं क्या 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 हो रहा है। फाई हो गया शेयर एंगल ठीक है, शेयर एंगल ऑलवेज कांस्टेंट होता है ठीक है। हम आगे बताएंगे कितना रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब बताएंगे ठीक है। और इसमें भी हमने सब कुछ बता दिया, और कुछ छूट रहेगा, हमने साई बता दिया, गामा बता दिया, मशीन सरफेस, वर्क पीस, कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेट हर एक टर्म बताने की इसमें कोशिश की है ठीक है। आगे हम इसमें चलिए अभी हम कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन ही करते हैं इस चीज़ को ठीक है। हम अभी इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा चीज़ और भी इसमें, ताकि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए, समझिए। चिप रेशियो हमें जानना है, क्या जानना है, चिप रेशियो। अच्छा एक चीज़ और समझिए, जो टी हमने बताया, टी क्या है, अनकट अनकट चिप थिकनेस, चिप थिकनेस। इसको एक और अच्छे तरीके से बोला जाए तो हम इसको कह सकते हैं अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस, अनडिफॉर्म्ड अनडिफॉर्म्ड चिप, अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसमें डिफॉर्म्ड हो गया, कट गया, सियर्ड हो गया, आया समझ में, तो वो चिप हो गया था। टीसी क्या था, चिप थिकनेस था, क्या था, चिप थिकनेस, यानी चिप जो कटने के बाद, डिफॉर्म्ड होने के बाद जो चिप निकला है उसकी थिकनेस। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे एक टर्म आता है चिप रेशियो, क्या आता है, चिप रेशियो, न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करना होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं जनरली। चिप रेशियो क्या होता है, टी बाई टी सी, क्या होता है, टी बाई टी सी, ये जनरली लेस देन वन होता है ठीक है, क्या होता है, लेस देन वन होता है। समझिए यहाँ पे कुछ पॉइंट, कि अगर टी सी ग्रेटर देन है टी से, यानी चिप थिकनेस जो है ग्रेटर देन है अनकट चिप थिकनेस से, अगर बड़ा है, टी सी ग्रेटर देन टी, कब होता है, ये होता है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कब होता है, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, शेयर फेलियर होता है, शेयर फेल्योर होता है और मटेरियल कटता है ना। और टी सी विल बी टू टू थ्री टाइम्स, टू से टू टू थ्री टाइम्स ऑफ टी, उस टाइम में जो टी सी होता है वो 2 से 3 गुना होता है टी के। बट ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, बट ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजेस ऑफ चिप, टीसी विल बी इंक्रीज,
टीसी विल इंक्रीज इंक्रीज फ्यू माइक्रोन्स। और जो चिप थिकनेस है वो 2 से 3 गुना हो जाता है अनकट चिप थिकनेस से। लेकिन ऐसा होता है इसलिए क्योंकि टेम्परेचर, जब हम मशीनिंग करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन वर्कपीस एंड टूल एंड फ्रिक्शन बिटवीन चिप एंड टूल, फ्रिक्शन के वजह से टेम्परेचर राइज होता है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो चिप का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। हम आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है बिल्डअप एज, हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो टीसी जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? फ्यू माइक्रोन्स। कितना होता है? फ्यू माइक्रोन्स, जो कि नेग्लिजिबल है, ठीक है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर ये हम बात कर रहे हैं डक्टाइल में ऐसा फेल्योर होता है, अगर हम बात करते हैं ब्रिटल की, किसकी बात करते हैं? ब्रिटल की, तो 4 ब्रिटल मटेरियल टी जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है टी सी के, एंड आर इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट वन होता है ब्रिटल मेटेरियल में, ठीक है। क्योंकि जब आप ब्रिटल मेटेरियल को मशीन करते हैं तो उसमें कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें कंटिन्यूअस चिप फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से इसमें टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही राइज होता है ना, जिसके वजह से टीसी थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, चिप थिकनेस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, 2 से 3 टाइम्स होता है, ठीक है। एक चीज़ आपको मैंने बता दिया, शेयर फिलर किस में होता है? डक्टाइल में होता है। तो चाहे तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, शेयर लिख देता हूँ, वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, शेयर फेल्योर टेक प्लेस इन डक्टाइल। क्यों होता है डक्टाइल में ही? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो वीक होता है शेयर में, आया समझ में? तो उसमें शेयर फेल्योर होती है, शेयरिंग होता ही है, तब तो कटिंग होगा। अप टू सर्टेन लिमिट तक ही तो मटेरियल रजिस्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा? फेल हो जाएगा, तो शेयर फेल्योर होता है। ओके, एक और पॉइंट क्या है इसमें ऑर्थोगोनल मशीनिंग में, कि हम फीड नहीं प्रोवाइड करते हैं। नोट में लिख लीजिए कि ऑर्थोगोनल डू नॉट हैव फीड, ऑर्थोगोनल डू नॉट हैव फीड, हम फीड नहीं प्रोवाइड करते हैं, आया समझ में? तो समझिए कि अगर ये वर्कपीस है तो हमने टूल को यूं फिक्स किया और वो मशीन करता है, आया समझ में? तो हम फीड नहीं प्रोवाइड करते, ये वर्कपीस ही रोटेट करवाते हैं या मूव करवाते हैं, तो हम फीड प्रोवाइड नहीं करते औरतों में। ओके, थैंक यू सो मच। हम अगले वीडियो में इसे आगे डिस्कस करेंगे।